हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में। तो हम जानेंगे डार्क एज के बारे में, जो फॉरेन रेसेस आए थे और जो हमारे खुद के घरेलू रेसेस थे। हम जानेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में, साकास के बारे में, कुशांस के बारे में, पार्थियंस के बारे में। फिर हम अपने ही घरेलू जो हमारे सुंग डायनेस्टी थी उसके बारे में बात करेंगे, कानवा डायनेस्टी के बारे में, सातवाहनास के बारे में बात करेंगे और चेरी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट मौर्यन एरा। जो मौर्यन काल था उसके बाद जो आता है उसको पोस्ट मौर्यन एरा बोलते हैं। ये स्टार्ट हुआ था सेकंड सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी के बीच में। इसे डार्क एज बोला जाता है। तो इसे डार्क एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो बाहरी देश के लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, और उन्होंने भारत पर आक्रमण तो किया था परंतु उन्होंने भारत के जो आर्ट थी, कल्चर थे, आर्किटेक्चर थे, उनको भी विकास नहीं होने दिया, इसीलिए उन्हें डार्क एज कहा जाता है। फिर बात करते हैं जो फॉरेन रेसेस आए थे, जो बाहर के योद्धा आए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक्स। तो जब इंडो ग्रीक्स आए थे तो इनको बैक्टीरियन ग्रीक्स भी कहा जाता था। सबसे शक्तिशाली जो इनमें राजा कहा जाता है उसे मिएंडर कहा जाता है। नागसेना ने क्या किया था? नागसेना जो कि बुद्धिस्ट एक मॉन्क था, उसने मिएंडर को कन्वर्ट करा दिया था बुद्धिज्म में। मतलब कि धर्म परिवर्तन कर दिया था। फिर यह पहले लोग थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले लोग और ये पहले लोग थे जिन्होंने राजा के नाम पर सिक्के लिखे थे। तो राजा के नाम पर सिक्के लिखने वाले भी पहले लोग यही थे। फिर आते हैं आपके साकाज। तो साकाज को सत्रपाज भी कहा जाता है। छत्रपाज ये पूछा जाता है हर समय एग्ज़ाम में। ये कहाँ पे आए थे? तो सबसे पहले ये सौराष्ट्र में आए थे। पूछा जाता है कि सौराष्ट्र कहाँ पे है? तो गुजरात में है। रुद्रदमन यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो दो अभिलेख थे, एक तो जूनागढ़ और एक गिरनार। इन दोनों अभिलेखों से पता चलता है। गिरनार अभिलेख में लिखा है कि जो सुदर्शन झील है उसको भी ठीक किसने कराया था? तो रुद्रदमन ने कराया था। फिर आते हैं उनके आखिरी शासक पे। तो राज सिम्हा जो थे आखिरी शासक थे। जिन्हें किसने हराया था? जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दूसरे ने हराया था। वो कहाँ के थे? तो ये गुप्ता डायनेस्टी के थे। तो साका का भी अंत आ जाता है। फिर आता है कुशांस। कुशांस को बोला जाता है कि ये यूची कबीले के थे।
यूची कबीला कहाँ का था? तो बोला जाता है कि यह चीन का था। इन्होंने सिल्क रूट पर अपना काबू पा लिया था, तो सिल्क रूट जो था इनके काबू में हो गया था। इन्होंने टाइटल लिए थे जैसे देवपुत्र, तो देवपुत्र जो था कुशांस को कहा जाता था। इस वंश की शुरुआत किसने की थी? तो कुजाला खडपसीस ने की थी, जो वंश की शुरुआत कहा जाती है। कुजाला ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुजाला खडफिसिस। तो कुजाला खडफिसिस को बोला जाता है कि इस वंश की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं कनिष्क की। तो कनिष्क सबसे महान शासक था इस वंश का। और इसी ने शाका एरा शुरू किया था, जो कि कब हुआ था शुरू? 78 AD में इसको बोला जाता है कि इसने शुरू किया था। चौथा, बुद्धिस्ट काउंसिल किसने शुरू किया था? ये भी पूछा जाता है, तो कनिष्क ने ही शुरू किया था। फिर पूछा जाता है कि गंधारा स्कूल, जो गंधारा स्कूल था वो किसने शुरू किया था? गंधारा स्कूल जो था वो कला एवं संस्कृति के ऊपर था, तो ये भी बोला जाता है कि इन्होंने ही शुरू किया था। फिर बहुत ज़्यादा जो चांदी के सिक्के बनाने जो स्टार्ट हुए थे वो इनको जो देखकर ही गुप्ता ने फॉलो किए थे, तो सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के यही बनाते थे, चांदी के सिक्के प्रचलित थे। अब बात करते हैं पार्थियंस की। तो पार्थियंस को पलाह लवाज भी बोला जाता है, इन्हें पलाह लवाज कहा जाता है, पल्लवाज नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। इनके सबसे महान जो शासक थे वो थे गोनोडव फर्नीस। तो गोनोडव फर्नीस जो कहते हैं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे बड़े राजा थे। इन्हीं के काल के दौरान ईसाई धर्मगुरु भारत पर आए थे 56 AD में। ईसाई धर्मगुरु जो थे सेंट जोसेफ, वो भारत आए थे। और उन्हें यहीं दफनाया गया था मैलापुर में, चेन्नई में। तो चेन्नई में उन्हें दफनाया गया था जब उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये तो हो गए विदेशी ताकतें, अब बात करते हैं घरेलू ताकतों की। तो घरेलू ताकतों की बात करते हैं हम, घरेलू ताकतों की। तो घरेलू ताकतों में सबसे पहले आता है सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश। तो सुंग वंश में किसने शुरू किया था, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुष्य मित्र सुंगा ने शुरू किया था। इसकी राजधानी कहाँ पूछी जाती है? तो विदिश राजधानी थी। फिर पूछा जाता है कि कहाँ पर थी वो? तो एमपी पर थी, मध्य प्रदेश में। इनके बेटे का नाम क्या था? तो अग्नि मित्रा बेटे का नाम था। इंडो ग्रीक्स को सबसे पहले किसने हराया था? तो अग्नि मित्रा ने हराया था इंडो ग्रीक्स को। मथुरा स्कूल ऑफ कला की शुरुआत किसने की थी? तो अग्नि मित्रा ने की थी।
मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कला थी उसकी शुरुआत की थी। कालिदास ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है मालविक अग्निमित्रम। तो मालविक अग्नि मित्रम ये बुक का नाम है और ये बहुत ही फेमस बुक है जिसमें लिखा है जो अग्निमित्र था उसकी बहादुरी के बारे में लिखा गया है। आगे बात करते हैं कान्वास की। तो कौरव वंश में 70 साल इन्होंने राज किया था। इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी थी फिर इसके महान जो योद्धा थे वो कौन थे? सुशर्मा आखिरी योद्धा था कान्वा का। और उसे किसने हराया था? तो उसे हराया था सत्कारणी द्वितीय ने जिसको मारा था। तो सुशर्मा आखिरी योद्धा था जिसे सत्कारणी द्वितीय ने मारा था। अब सत्कारणी द्वितीय कहाँ का है? वो है सद्वाहनास का। तो चलिए इसी बात में सद्वाहनास के बारे में बात करते हैं। आप यह इकलौता ऐसा राजवंश था जो सबसे लंबा चला था। सबसे लंबा राज करने वाला जो वंश था वो सद्वाहनास था। करीब 400 साल इन्होंने राज किया था। और कितने राजा बदले इन्होंने इसी वक्त में? तो 33 जो थे राजा बदले। पहली राजधानी कहाँ थी? ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो पैठान में थी। इसको प्रतिष्ठानपुरा भी कहा जाता था। जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। दूसरी राजधानी किसे कहा जाती है? तो अमरावती को कहा जाती है। श्रीमुख और सिमुका इनके पहले राजा थे, सद्वाहनास के पहले राजा। श्रीमुख या सिमुख ये इनके पहले राजा थे। लेकिन जो सत्कारणी पहले थे, सत्कारणी प्रथम, उन्हें ही असली जो इस वंश का जो फाउंडर कहा जाता है वो इन्हें ही कहा जाता है। असली फाउंडर इन्हें कहा जाता है। यह पहले राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था, वो भी साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ कराया था। इन्हें खरवेला के राजा ने हराया था जो कलिंगा के थे। कलिंगा के राजा ने हराया था इन्हें। गौतमी पुत्र सत्कारणी सबसे महान राजा थे। गौतमी पुत्र सत्कारणी सबसे महान शासक थे इनके।
उन्होंने कुछ टाइटल भी लिए थे, मतलब अपने नाम पे उनके, जैसे एक ब्राह्मण, द ओनली ब्राह्मण, जिसका मतलब है एक ब्राह्मण, उन्हें कहा जाता था, जिसका मतलब था द ओनली ब्राह्मण, अकेला ब्राह्मण, जो पूरा सिर्फ अकेला ही, उसी के नाम पे ब्राह्मण रखा गया। फिर त्रिसमुद्र ईश्वर, मतलब कि तीन समुद्रों का ईश्वर, तो त्रिसमुद्र ईश्वर भी इन्हें कहा जाता था। द लॉर्ड ऑफ थ्री सीज, फिर इनकी महानता नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखी है। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन को अभिलेख बोलते हैं। आखिरी शासक कौन था? तो पुलावनी थर्ड था। फिर बात करते हैं चेडी डायनेस्टी की, चेडी वंश की। इन्होंने ही कलिंगा को रूल किया था। इन्होंने हराया था किसको? जो मैंने अभी आपको बताया था, सत्कारणी पहले को, सत्कारणी प्रथम को इन्होंने हराया था। इन्होंने भी टाइटल लिए थे, इनको लोग क्या बोलते थे? तो महामेघ वाहना बोलते थे। ये सब पूछे जाते हैं पेपर में, महामेघ वाहना बोलते थे इनको। जो एलिफेंटा केव है, जिसे हाथी गुफा भी कहते हैं, इसकी महानता के बारे में बताता है। तो एलिफेंटा केव से हमें पता चलता है इनके बारे में। एक सौ इकसठ बीसी में जैन की जो काउंसिल हुई थी, जो परिषद हुई थी, इन्होंने ही कराया था। कुमारगिरी में हुआ था वो काउंसिल, कुमारगिरी में हुआ था। तो गाइस, ये था आपका द लेटर जो पीरियड था मौर्य के बाद। तो गाइस, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।